अस्सलाम वालेकुम। ये साउंड व्यू का एरिया है। आज सैटरडे का दिन है, लोग जा रहे हैं। चूँकि हम खड़े हैं इस तरफ, ये सामने वाइट स्टोन ब्रिज है, तो ये एंट्री है यहाँ से ब्रिज की। ऊपर बाकायदा यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है सिक्योरिटी का। नीचे आगे हम देखने जा रहे हैं, ब्रिज है ये छोटा सा, जिसके दूसरी तरफ फेरी जाती है। फेरी एक छोटा सा जहाज समझ लें, जैसे बड़ी कश्ती समझ लें। उस कश्ती में लोग बैठकर मैनहट्टन की तरफ जाते हैं। यहाँ से लोग सुबह सवेरे अपने कामों पर निकलते हैं, वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं, और सैर के लिए जाने वाले लोग भी यही रास्ता इख्तियार करते हैं। $2.75 का टिकट है यहाँ का, 2.75। तो ये टिकट लेते हैं यहाँ से एक सवारी के लिए, एक आदमी के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे ब्रिज पर भी दिखाता हूँ और आपको फेरी का भी दिखाता हूँ। ये जनाब मेरे बेटा साहब सर को बिल्कुल साफ़ किए हुए सर्दियों के मौसम में मछलियां पकड़ने की नाकाम कोशिश फरमा रहे हैं। हाँ जी, अब कोई चांस को नहीं है, कोई चांस नहीं है। आपने पहले कौन सी मछलियां पकड़ी हैं भाई? ब्लैक फिश है। ये कौन सी फिश है? यही पकड़ के ले चलो, ये साथ में लगाया हुआ है कुछ इन्होंने। ये ब्लड वर्म है। ब्लड वर्म है ये? ब्लड वर्म। अच्छा अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं दोबारा, ये वाइट स्टोन ब्रिज है। ये अभी हम चलते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिस्टम निज़ाम क्या है। तो ये कुछ देखें, कमिटमेंट टू द क्वालिटी। ये देखें, ये सारा बना हुआ है। ये साउंड व्यू है जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ से ये फेरी निकलेगी और यहाँ से होती हुई नीचे ये 90 स्ट्रीट पे जाती है, 34 स्ट्रीट पे जाती है मैनहट्टन। ये देखें, इसके जो स्टाफ हैं वो भी बताए जा रहे हैं साथ साथ में। फिर ये होती हुई चली जाती है जनाब ब्रुकलिन। ये बे रिज है, ये ब्रुकलिन रॉकवे। बहुत दूर तक इसका है। और ये देखो, आगे भी कुछ सिस्टम बना हुआ है। ये इसका दरवाज़ा है जिससे लोग दाखिल होकर नीचे जाते हैं, और नीचे बाकायदा इन्होंने बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर खड़े रहो, तुम इधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, यहाँ देखो। ये सामने मैनहट्टन है, क्योंकि ज़रा मुश्किल से नज़र आएगा कि अभी सूरज की शुआएं तिरछी पड़ रही हैं सामने है समुद्र में। शुआएं पड़ने से कुछ तेज लाइट उठ रही है जो तस्वीर को क्लियर नहीं होने देती। ये सामने अगर देखें तो ये पैप के दूसरी तरफ जो खड़ा है ना सामने, ये पोल सा, इसके दूसरी तरफ जो है नज़र आ रहा है आपको एक ब्रिज सा, ये लगवाडिया एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ पर आती हैं। तो ये ब्रिज देखें आप, नीचे जा रहा है। ये मेरा स्पेशल बेटा है मेरे साथ में, ये भी बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह से फेरी में बैठ जाऊं। चलो चलो उस तरफ चलना है। रुको रुको रुको, यजदान यजदान स्टॉप। अच्छा, ये इस तरफ भी बैठने का बाकायदा बंदोबस्त है। ये दो फेरियां एक वक्त में लगती हैं। ये फेरी लगती है यहाँ से, फिर लोग इंटर होते हैं उसमें, तो सवारी चली जाती है यहाँ से, लोग चल जाते हैं। वेट वेट वेट, वेयर आर यू गोइंग, स्टॉप मैन। तो ये है, ये इसकी छत ऊपर देखें, ये बना हुआ है, ये बैठने की जगह है। लोग बाकायदा बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, अभी फेरी आने वाली है। ये मैनहट्टन का इलाका है, ये आपको मैं दिखाता हूँ इधर मैनहट्टन। ये सामने है मैनहट्टन, अभी जहाज़ भी उड़ रहा है ऊपर से, जाएगा उधर से।
आप देख सकते हैं। वेट करो, इधर वेट करो, ये अभी लगवाड़िया एयरपोर्ट से निकला है ऊपर के लिए, है ऊपर तो ये बहुत ही करीब पानी है, ये ब्रिज है ये, और ये सामने ये साउंड व्यू का इलाका है जो आप अभी आपको दिखाया है। एक छोटी सी वीडियो मैंने पहले साउंड व्यू की भी डाली है, तो इस ब्रिज से हम लोग अगर मैनहट्टन जाना हो तो ये रास्ता इख्तियार करते हैं। ये है अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये बच्चा मेरा इधर चला जाए। नो 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 नो, तंग ना करो, इधर आओ, कम हियर। यहाँ से लोग अपने अपने टिकट लेते हैं, ये देखें ये बना हुआ है, ये तरीका। नो 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 नो, वेट, टिकट टाइप, ये कैश का कार्ड है, ये टिकट यहाँ से लेकर आप उस फेरी में बैठ सकते हैं। ये बना हुआ है, टिकट घर है, ये परचेज टिकट हियर जो है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो इधर है कि फेस, अच्छा, कवरिंग रिक्वायर्ड टू राइट, आप अपने फेस पर जो है ना मास्क रखें COVID-19 की वजह से। तो ये ऊपर भी बना हुआ है इनका, एक है नक्शा कि कितने स्टाफ हैं, कहाँ कहाँ पर जाएगी ये मामी। ये सामने बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ट्रांसफ़र टिकट्स, अच्छा, ओनली अवेलेबल अनबोर्ड। जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र टिकट, यानी वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको एक फ्री टिकट दिया जाएगा, आप वहाँ से दूसरी किसी में अगर जाना चाहें तो दूसरी तरफ जा सकते हैं, यानी एक फेरी से दूसरी फेरी, एक कश्ती से दूसरी कश्ती में। ये कश्तियाँ भी छोटी नहीं होती, 3-4 मंजिला होती है, तो काफ़ी बड़ा वाला, काफ़ी 100-200 बैठ जाता है, बहुत सी सीटें, बहुत खूबसूरत, बहुत नज़ारे वाली फेरी आई नहीं है। वो मेरा ख्याल है 30-35 मिनट के बाद एक फेरी आती है, ये इसका गेट वापसी है, हम वापस बाहर जा रहे हैं। ये गेट बना हुआ है, यहाँ से दाखिल हूँ, टिकट ले सवार हो जाए। गाड़ी हमने चूँकि बाहर पर की हुई है, दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये सामने वाइट स्टोन ब्रिज है, और जो वो दरख्तों के दरमियान बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसमें मैं रहता हूँ, वो भी करीब है, उस तरफ से भी सुंदर करीब है, बिल्कुल करीब है, लेकिन वो दरख्त हैं, उधर से हम आते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ आ जाएं साउंड व्यू पर, तो साउंड व्यू में ये आपको जरूर रुक होती है, गाड़ी भी आराम से आ जाती है, वहाँ से तो पैदल रास्ता है, सामने दरख्त हैं वो नीचे। मैं यहीं पे वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, आपने एंजॉय किया होगा, अल्लाह हाफिज़।